हरे कृष्णा। धनतेरस के उज्जवल और मंगलमय पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। धनतेरस दिवाली के दो दिन पहले मनाया जाता है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में कई जगह किया गया है। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी की पूजा व आराधना की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। आज के दिन सोने और चांदी की खरीदारी का भी अधिक महत्व होता है। लेकिन धनतेरस की मौज मस्ती में हम एक विशेष बात भूल गए हैं कि वह महालक्ष्मी जिन्हें हम प्रसन्न करने में लगे हैं, वह स्वयं खुद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी हुई हैं। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ही भगवान विष्णु को सदैव प्रसन्न करने में चिंतित रहती है। इसलिए हमें भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके दिव्य नामों का पठन व कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, शास्त्रों का पठन करना चाहिए और दिव्य भक्तों का दर्शन करना चाहिए अथवा उनका संग करना चाहिए। इसके साथ धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का भी जन्म हुआ था, जो कि आयुर्वेदा और समस्त औषधियों के प्राणिते कहलाए जाते हैं और इसके साथ भगवान विष्णु के अवतार अंश भी हैं। अतः हम सभी को अपने सुख व समृद्ध जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के शरण लेना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए, अतः भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।